and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार लोकसभा सीट को लेकर बातें हो रही थी, तो दो सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी थी और वो सीट कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार की सीट थी। मैं वो सोनिया गांधी वाली नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मेनका गांधी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद थी और उनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद थे। पीलीभीत से लगातार वरुण गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे, लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ और जब टिकट बांटने का समय आया तो वरुण गांधी का टिकट कट गया। वरुण गांधी पूरे चुनाव कहीं भी बाहर नहीं निकले, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। तो अब भाई वरुण गांधी वाला सीट पर क्या हाल है, मेनका गांधी हारी या जीती, इसकी पूरी डिटेलिंग जानकारी मैं आप सभी को लेकर आने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम जो पीलीभीत लोकसभा सीट थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया था। बीजेपी के जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भगवंत सरन गंगवार जो थे वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो जितिन प्रसाद को 607,158 वोट मिले हैं, जबकि भगवंत सरन को महज 442,223 वोट मिले हैं। और यहाँ पर वरुण गांधी वाला जो सीट है वो एक बार फिर से बीजेपी के खाते में गई है। 164,835 वोट से जितिन प्रसाद जो है वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन जो मेनका गांधी वाली सीट है सुल्तानपुर, वहां से मेनका गांधी हार गई है। इस तरीके से दूसरे वरुण गांधी और मेनका गांधी जो गांधी परिवार था उसका भारतीय राजनीति से वर्चस्व खत्म हो गया है। जी हाँ, बात करें तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट से रामबाहुल निषाद जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे उनको 444,330 वोट मिले हैं, जबकि मेनका संजय गांधी को महज 40,000 ही वोट मिले हैं और वो जो है 43,174 वोट से रामबाहुल निषाद जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। तो एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी ये गांधी परिवार का सिलसिला है। एक और गांधी परिवार थे जिसमें रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी चुनाव जो है वो जीत गए हैं। तो एक अपडेट था, बाकी सीट को लेकर आप अपने बताते हैं।